नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की ओर से खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए एक नजर सुर्खियों पर। आज है छठ महापर्व का खरना, जाने इसका महत्व। बीपीएससी से चयनित नव नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का आदेश। छठ महापर्व पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। 21 नवंबर से हर थाने में होगी डाकिया की तैनाती। विश्व कप 2023 के फाइनल में टीम इंडिया को जिताने पर गौतम गंभीर ने इस प्लेयर पर ठोका दावा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI में क्लर्क के 8,283 पदों पर निकली भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लैरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट्स के 8,283 पदों के लिए भर्ती निकाली है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक पास होना अनिवार्य है। वहीं उम्मीदवारों की आयु 1 अप्रैल 2023 को 20 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को एक बार जरूर देख लें। आज है छठ महापर्व का खरना, जाने इसका महत्व। आज यानी कि 18 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना के रूप में जाना जाता है। बता दें कि आज के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। बता दें कि प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले इसे व्रती महिलाएं ग्रहण करती हैं, उसके बाद इसे बाकी लोगों में बांटा जाता है। आपको बता दें कि खरना के प्रसाद का काफी महत्व है और लोग इसे बड़ी साफ सफाई के साथ बनाते हैं। छठ पूजा के दौरान खरना के दिन भी सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। जिस तरह पूजा पाठ में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी तरह आज के दिन भी प्रसाद बनाने से लेकर उसे ग्रहण करने तक स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। मालूम हो कि खरना के बाद से ही 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। ऐसे में खरना का दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि दो दिन के व्रत के लिए व्रती शक्ति और पवित्रता का संकल्प लेते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे छतरिया कुंड तीर्थ के बारे में। छतरिया कुंड तीर्थ जमुई जिले में घूमने वाली एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपको महावीर स्वामी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह जमुई जिले में सिकंदरा तहसील में स्थित है। यहाँ पर आपको महावीर स्वामी जी की काले रंग की बहुत सुंदर प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ आकर अच्छा लगता है। इस जगह के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ और उनका यहाँ पर दीक्षा और कल्याणक भी हुआ था। यहाँ पर आपको जैन धर्म का एक और प्रसिद्ध मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। आप पहाड़ी रास्ते से होते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर महावीर स्वामी जी के दर्शन करते हैं। यह जगह प्राकृतिक और धार्मिक तौर पर प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरा मार्बल से बना हुआ है और यहाँ पर नक्काशी की गई है, जो देखने लायक है। नए शिक्षकों के स्कूल आवंटन में गड़बड़ी मामले पर 3 जिलों के DEO और DPO पर निंदन की कार्रवाई। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा तल्ख तेवर अपनाते हुए 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO से नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी को लेकर बीते गुरुवार को 4 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन जवाब से संतुष्ट न होने के बाद इन पर निंदन की कार्रवाई की गई है। बता दें कि जिन जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनमें समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नरेंद्र कुमार सिंह, सारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशल किशोर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह, सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अवधेश कुमार का नाम शामिल है। अब जानकारी के लिए बता दें कि निंदन की कार्रवाई सरकारी कर्मचारी और कर्मियों के प्रमोशन में बैरियर होता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी पर उसके सर्विस काल में उस पर 3 बार निंदन की कार्रवाई होती है, तो उसका आगे का प्रमोशन रुक जाता है। छठ महापर्व पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी रहेंगे तैनात।
लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से चौक चौराहों, गंगा घाट एवं तालाब के पास दंडाधिकारी समेत पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बारे में बीते दिन एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस बार बिहार के विभिन्न जिलों में 24 पुलिस बल की कंपनियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी जा रही। वहीं आम लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर सेल्फी न ले और किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। सबके अलावा अश्वारोही दल के पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर खरना यानी कि आज से पुलिस बल की तैनाती हो गई है। वहीं 13,000 पुलिस कर्मियों के साथ लगभग 260 पुलिस पदाधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। 21 नवंबर से हर थाने में होगी डाकिया की तैनाती। बिहार पुलिस और डाक विभाग के बीच MOU साइन का यह निर्णय लिया गया है कि अब बिहार पुलिस के सिपाही विभागीय डाक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। ऐसे में 21 नवंबर से पुलिस स्टेशनों में डाकिया तैनात करने की शुरुआत कर दी जाएगी। इस बारे में चीफ पोस्ट मास्टर अनिल कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि डाकघर की दूरी के अनुसार थाना और कार्यालय को स्पष्ट रहे कि किस डाकघर के माध्यम से डाक लेना है और देना है। इसके लिए इकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के बाद हम सब थाने को पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन तरीके से टैग कर रहे हैं और थाना कार्यालय के समीप डाकघर के साथ मैपिंग किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से बिहार पोस्टल सर्किल के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अब बिहार पुलिस मुख्यालय जरूरी वारंट या कागजात को संबंधित व्यक्ति या फिर अधिकारियों तक भेजने के लिए मेल की मदद लेगी। BPSC से चयनित नव नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का आदेश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से BPSC से नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं वो 21 नवंबर तक हर हाल में अपना योगदान दें, नहीं तो उनको जो नौकरी मिली है वो भी चली जाएगी। इसको लेकर IAS KK पाठक के द्वारा सभी DM को निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि छठ पर्व को लेकर 19-20 नवंबर को स्कूल बंद रहने वाले हैं। ऐसे में विद्यालय बंद रहने के कारण किसी प्रकार का योगदान नहीं हो पाएगा, इसलिए जो भी बचे हुए शिक्षक होंगे उन्हें हर हाल में 21 नवंबर 2023 को अपना योगदान देना होगा। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राज्य के 32 जिलों के नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। शेष 6 जिलों के शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। छठ के लिए सज सवर कर 4,050 घाट तैयार। बिहार विकास एवं आवास विभाग के द्वारा आस्था के महापर्व छठ के लिए राज्य के शहरी निकायों के कुल 4,050 छठ घाटों पर साफ सफाई से लेकर लाइटिंग तक की व्यवस्था कर दी गई है। बता दें कि घाटों की प्रत्येक पाली में करीब 20,000 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मालूम हो कि छठ घाटों को तैयार करने के लिए विभाग की ओर से एक महीने पहले ही नगर निकायों को 25,51,00,000 रुपए आवंटित कर दिए गए थे, जिससे कि घाटों की साफ सफाई, मरम्मत, लाइटिंग, डस्टबिन, अस्थायी चेंजिंग रूम समेत कई व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं सबके अलावा 465 ऐसे घाटों को चिन्हित भी किया गया है जो खतरनाक है। ऐसे में इन खतरनाक घाटों पर बैरिकेडिंग कर लाल कपड़ों को साइनेज भी दिया गया है। बता दें कि इन घाटों का उपयोग में लाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि विभाग की ओर से छठ घाटों पर लगभग 10,523 डस्टबिन और 6,846 हैंड ट्रॉली का इंतजाम किया गया है। वहीं घाट पर जमा कूड़ों को हटाने के लिए 2,597 ट्रैक्टर और 2,577 टीपर भी लगाए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रविंद्र कुमार सिन्हा के बारे में। रविंद्र कुमार सिन्हा पद्मश्री से सम्मानित भारतीय जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद हैं। उन्होंने 2019-23 तक श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी कार्य किया। पहले वह पटना विश्वविद्यालय में प्राणी शास्त्र विभाग के प्रमुख थे और एक अग्रणी शोधकर्ता और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में भी जाना जाता है। रविंद्र कुमार सिन्हा को नीदरलैंड के महामहिम राजकुमार बर्नहार्ड द्वारा ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत का स्वर्ण जयंती पुरस्कार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री, आउटलुक मैगजीन द्वारा फर से अर्श तक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स द्वारा एलिट एकेडमिशियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 26 नवंबर को पटना में मैराथन दौड़, 35,00,000 रुपए का इनाम। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्त हो बिहार के स्लोगन के साथ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाने वाला है। बता दें कि इस बात की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर एक स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह दौड़ना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि दौड़ में बिहार सहित बाहर के धावक भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि मैराथन दौड़ कुल 42 किलोमीटर का होगा। इस आयोजन में 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल होंगे। इस मैराथन में कुल 15,000 लोगों को शामिल किया जाना है, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर तक धावकों को दौड़ना है। वहीं इस मैराथन में जीतने वाले विजेता को कुल 35 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। सूर्य नगरी देव में छठ की हुई शुरुआत, प्रभारी मंत्री आलोक मेहता ने समारोह का किया उद्घाटन। बीते दिन औरंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री आलोक मेहता के द्वारा औरंगाबाद के पौराणिक धार्मिक आध्यात्मिक भगवान भास्कर की नगरी देवार्क नाम से विख्यात सूर्य नगरी देव में महापर्व छठ की शुरुआत की गई। इस दौरान उद्घाटन समारोह में प्रभारी मंत्री के द्वारा छठ पर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला और देव के विकास के लिए महागठबंधन सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से आम जनता को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से देववासियों के द्वारा मांग की जा रही थी कि देव मेला को राजकीय दर्जा मिले। इसकी घोषणा इसी वर्ष उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है। 7 महीने के अंदर देव मेला को राजकीय मेला घोषित कर महागठबंधन सरकार की ओर से जो वादे देव की जनता से किए गए थे उसे पूरे कर लिए गए हैं। इसके साथ ही महागठबंधन सरकार की ओर से देव मेला के विकास के लिए कई अभूतपूर्व कार्य भी किए गए हैं और साथ ही 55 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। बता दें कि इस मौके पर सदर विधायक आनंद शंकर, जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, SP स्वप्ना गौतम मेश्राम समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। BPSC TER-1 के 90,000 शिक्षकों को स्कूल हुआ आवंटित। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा से चयनित शिक्षकों में से राज्य के 32 जिलों के करीब 90,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है, तो वहीं बाकी बचे 6 जिलों के शिक्षकों का स्कूल आवंटन करने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि जिन शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है वो अपने अपने स्कूलों में योगदान करना प्रारंभ कर चुके हैं। वहीं जिन 6 जिलों के शिक्षकों का स्कूल आवंटन नहीं हो सका है उनमें मोतिहारी, मधुबनी, बक्सर, भागलपुर, सहरसा व बांका जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षकों को छठ पूजा के बाद योगदान कराने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार के इस जिले में एक साथ 27 दरोगा हुए सस्पेंड। बिहार के मुंगेर के SP जे रेड्डी के द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक साथ 27 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इन पुलिस कर्मियों के द्वारा अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर योगदान नहीं दिया गया था। मालूम हो कि इन सभी पुलिस कर्मियों को राजगीर पुलिस अकादमी से मुंगेर भेजा गया था। वहीं इस संबंध में SP के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही यह बताया गया कि सस्पेंड होने के बाद कई PSI अपने तय स्थान पर जाकर अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं जिन भी 27 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को सस्पेंड किया गया है वह 2020 बैच के दारोगा है। बेगूसराय में इस दिन लग रहा रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के बेगूसराय में छठ महापर्व के खत्म होते ही 22 नवंबर को श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के निर्देशन में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस बारे में बेगूसराय जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश और कुंदन कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस रोजगार मेला में अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में फील्ड क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट पर इंटर और ग्रेजुएट किए हुए 15 बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बता दें कि दी गई जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को अपना NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वहीं इस दौरान अभ्यर्थियों के पास बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की 2 रंगीन फोटो होनी चाहिए। पटना के शहरी क्षेत्र में ये घाट है असुरक्षित और अनुपयुक्त। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन पटना के द्वारा नासरीगंज से दीदारगंज तक छठ व्रतियों की सुविधा के लिए 108 से अधिक घाटों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 100 घाट अधिक सुरक्षित हैं। वहीं जो घाट असुरक्षित है उनमें मीनार घाट, LCT घाट और राजापुर पुल घाट है। वहीं जो अनुपयुक्त घाट है उनमें मिश्री घाट, TN बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, कृष्णा घाट और पत्थर की मस्जिद घाट शामिल है। बता दें कि घाटों पर भीड़ की निगरानी ड्रोन और CCTV कैमरे से की जाएगी। इसके अलावा वॉच टावर से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। सभी घाटों पर SDRF और NDRF की टीम तैनात रहेगी और जिला प्रशासन द्वारा गोताखोर भी लगाए जाएंगे। वहीं सरकार की ओर से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, टोल फ्री नंबर 1070, राज्य आपदा संचालन केंद्र 0612229420 या 0612229405
जिला नियंत्रण कक्ष पटना 0612221918 या 0612221934 और पुलिस नियंत्रण कक्ष पटना 9470001389 और 100 पर संपर्क कर सकते हैं। महापर्व छठ पर राज्य में ऐसा रहेगा मौसम। लोक आस्था के महापर्व छठ पर मौसम का मिजाज सुस्कर बना रहेगा। पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में अर्घ्य के दौरान सुबह शाम सात धुंध का प्रभाव रहेगा। वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। ऐसे में ठंड का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत अधिसंख्य भागों में धुंध का प्रभाव बना रहा। पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया व वाल्मीकि नगर में धुंध का अधिक प्रभाव रहा। भारत मौसम विभाग ने संख्यात्मक मॉडल और गुरुवार के सिनोप्टिक विश्लेषण के आधार पर 19 और 20 नवंबर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग के अनुसार 1-2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के सभी जिलों में मौसम सामान्य ही रहेगा। कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान आसमान भी में बादल छाए रहेंगे। 19 और 20 नवंबर को बिहार के विभिन्न जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 180 कार्टन शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर उत्पाद विभाग की ओर से नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही, लेकिन शराब तस्कर के द्वारा आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात किया जा रहा। बता दें कि ताजा मामला बांका के चांदन झिंगा झाल रोड स्थित कादरसा चौक के पास का है, जहां प्रभारी थाना अध्यक्ष विष्णुदेव कुमार के द्वारा पुलिस दल बल के साथ गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वाहन में छुपाकर ले जा रही 1,616 लीटर 180 कार्टन शराब की खेप के साथ चालक समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद शाहबाज, हरी यादव और अरुण कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार यह शराब जामतारा झारखंड से बेगूसराय लेकर जाया जा रहा था। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है। सीएम आवास में नीतीश कुमार के परिवार करेंगे छठ। बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी पर्व की तैयारी चल रही है। बता दें कि जेडीयू विधान पार्षद संजय गांधी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी छठ की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार की भाभी और बहन सहित परिवार के कई सदस्य छठ करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर इस बार भी छठ नहीं हो रहा। इस बारे में लालू यादव के नजदीकी भोला यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि राबड़ी देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस वजह से वो छठ नहीं करेंगी। वहीं सबके अलावा परिवहन मंत्री शीला मंडल, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, मंत्री अशोक चौधरी और विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के घर भी छठ महापर्व किया जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ गई है। इसी कड़ी में अब जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि बिहार कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है, वहीं बिहार कृषि पर आधारित राज्य है, लेकिन केंद्र की ओर से बिहार पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा गया है वह बिहार के लिए जरूरत है और इसके लिए जोरदार तरीके से अभियान चलाने की जरूरत है। अगर बिहार को उस समय विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बिहार अब तक लंबी छलांग लगा देता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू की तरफ से पहले भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लंबा आंदोलन चलाया जा चुका है। सभा और हस्ताक्षर भी करवाए गए, जिसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा गया। ऐसे में अब एक बार फिर से यह मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। जारी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की ओर से जारी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने जातीय जनगणना से जोड़कर जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया उसी आंकड़ों को देखिए तो पता चलता है कि कभी कभी जब दिन खराब होता है तो आप सोचकर अच्छा भी करने जाइएगा तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदे को सोचकर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। इसी को कहते हैं गोबर को उठाकर मुंह पर लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 20% बिहार के लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। आप तो गोबर मुंह पर लगा रहे हैं कि 32 साल से सरकार चलाने के बाद कह रहे हैं कि 20% लोगों के पास घर नहीं है या झोपड़ी में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80% बिहार के लोग दिन भर में 100 रुपए भी नहीं कमाते। ये 32 सालों के लालू नीतीश राज का असर है, उसी का ये परिणाम है। जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है तो लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली और जिसे वंचित रखा गया।
विश्व कप 2023 के फाइनल में टीम इंडिया को जिताने पर गौतम गंभीर ने इस प्लेयर पर ठोका दावा। विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं अब फाइनल में टीम इंडिया को जिताने पर पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर के द्वारा इस खिलाड़ी को लेकर दावा ठोका गया है। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए गौतम गंभीर के द्वारा कहा गया कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। विराट कोहली ने अच्छी पारियां खेली है, लेकिन मेरे लिए मैच का असली गेम चेंजर तो श्रेयस अय्यर है। अय्यर अपना पहला विश्व कप खेल रहे हैं और उन्होंने अब तक जो प्रदर्शन किया है उससे मैं काफी इंप्रेस हूं। लगातार 2 शतक जमा चुके हैं और मुझे यकीन है कि वह विश्व कप 2023 के फाइनल में भी वह असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। पेशवा माधव राव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव ने 1772 में गद्दी संभाली। बिहार की राजधानी पटना के पास 1948 में स्टीमर नारायणी दुर्घटनाग्रस्त होने से 500 लोग डूबे। बाघ को 1972 में राष्ट्रीय पशु चुना गया। भारत की मानुषी छिल्लर ने जीता मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब। फिल्मकार अभिनेता वी शांताराम निर्देशक का जन्म 1901 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में हुआ। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदंबरम पिल्लई का 1936 में निधन हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सैतान सिंह का निधन 1962 में हुआ। धीरेन्द्रनाथ गांगुली बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक धीरेन्द्रनाथ गांगुली का निधन 1978 में हुआ। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का निधन 2017 में हुआ। बारलखंड में आज हम बात करेंगे HPCL LPG एजेंसी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे HPCL LPG एजेंसी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कथित तौर पर एक अनुमोदन पत्र जारी किया गया जिसमें HPCL LPG एजेंसी डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने का दावा किया जा रहा है। PIB ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह अनुमोदन पत्र नकली है। प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://lpgvitarakchaya.in पर जाएं। इंस्टाग्राम पर मिलेगा आईफोन वाला ये फीचर। इंस्टाग्राम में मेटा नए फीचर्स जोड़ रहा है ताकि यूजर्स एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाया जा सके। इस बीच कंपनी ने एक AI पावर्ड टूल स्टोरी सेक्शन के अंदर लॉन्च किया है, जो आपको किसी फोटो या वीडियो से स्टिकर बनाने की सुविधा देता है। जिस तरह आप आईफोन में किसी फोटो को बैकग्राउंड से अलग कर उसका स्टिकर बना सकते हैं, ठीक ऐसा ही ऑप्शन कंपनी ने इंस्टाग्राम में भी यूजर्स को दिया है। इसके लिए आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार कस्टम AI स्टिकर जनरेटर मेटा के सेगमेंट एथनिंग AI मॉडल का उपयोग करता है और यूजर्स को अपने कैमरा रोल या प्लेटफॉर्म पर योग्य मीडिया से वीडियो और फोटो का उपयोग करके स्टिकर बनाने में मदद करता है। यदि आप स्टिकर को थोड़ा मोड़ना चाहते हैं या यदि AI आपको अपेक्षित परिणाम नहीं देता है, तो नया क्रिएट ऑप्शन आपको मैन्युअली भी फोटो और वीडियो से स्टिकर को चुनने का ऑप्शन देता है। स्टिकर को चुनने के बाद आपको यूज स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कारोबार के अंतिम दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ हुआ बंद। बीते दिन यानी कि कारोबार के अंतिम दिन बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स क्रमशः 0.27% और 0.36% की तेजी के साथ बंद हुआ। बता दें कि कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 187.75 अंक यानी 0.28% गिरकर 65,794.73 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 69 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 33.40 अंक या 0.17% फिसल कर 19,731.80 के स्तर पर बंद हुआ। मालूम हो कि बीते दिन 30 में से 14 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें LNT, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रीड, एशियन पेंट्स और नेशनल इंडिया टॉफर 5 शेयर रहे जो बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं 5 जो शेयर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए उनमें भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व के नाम शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 नवम्बर, ऑप्शन डी 14 नवम्बर, ऑप्शन डी 16 नवम्बर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 नवंबर। अगला सवाल, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। अगला सवाल, हाल ही में भारत किस देश से इग्ला एस एंटीक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूस। अगला सवाल, बिहार पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया बनने का रिकॉर्ड किसके नाम बना? ऑप्शन ए प्रेरणा कुमारी, ऑप्शन बी अनुष्का कुमारी, ऑप्शन सी वंदना कुमारी, ऑप्शन डी भारती कुमारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुष्का कुमारी। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक दास, कोरर शर्मा, विवेक मिश्रा, कस्तूरी शर्मा, अमित कुमार, चंद्रदीप, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, अफवोज मंसूरी, उमेश ऋषिदेव, सोनम देवी, मंटू कुमार, रवि कुमार राम, राजू यादव, सदुल्लाह पलवी, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, छठ महापर्व में बजने वाला आपका मन पसंदीदा छठ गीत कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।